आज मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि वैज्ञानिकों ने एक मेंढक को पानी से भरे हुए बर्तन में रखा और उसे धीरे धीरे गर्म करना शुरू करा। जब पानी गर्म हुआ तो मेंढक ने अपने शरीर को पानी के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। पानी थोड़ा और गर्म हुआ तो मेंढक ने फिर से खुद को एडजस्ट कर लिया और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक पानी उबलने की हालत में नहीं आ गया। पानी के उतना गर्म होने पर मेंढक के लिए खुद की बॉडी को पानी की गर्मी के हिसाब से एडजस्ट करना नामुमकिन हो गया था, तो उसने पानी से बाहर जाने की सोची। लेकिन इस वक्त तक मेंढक अपनी सारी एनर्जी खुद के शरीर को पानी के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करने में लगा चुका था, गंवा चुका था, और उसके लिए कूद कर बाहर जा पाना मुमकिन नहीं था। थोड़ी देर तक मेंढक कोशिश करता रहा और उसके बाद वो गर्मी की वजह से खत्म हो गया। अब यहाँ मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि मेंढक को कितने मारा। मुझे यकीन है अधिकतर लोग यही कहेंगे कि उबलते हुए पानी ने, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। यहाँ मैं कहूँगा मेंढक खत्म हुआ सही डिसीजन ना ले पाने की खुद की गलती के कारण। हम सभी को दुनिया में लोगों और हालातों के साथ एडजस्ट करना होता है, लेकिन हमें ये भी देखना जरूरी है कि कब हमारे लिए एडजस्ट करना सही ऑप्शन है और कब हमें आगे बढ़ जाना है। कभी कभी वक्त आता है जब हमें सही एक्शन और डिसीजन लेना होता है ताकि हम खुद को खत्म होने से बचा सकें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोग उस गर्म पानी की तरह होते हैं जो आपको कई बार परेशान करेंगे, निराश करेंगे, आपका फ़ायदा लेंगे, आपको धोखा देंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, और अगर आप उनके साथ एडजस्ट होते रहते हैं तो यही काम वो बार बार करते रहेंगे। अब ये आपको तय करना है कि कब तक ऐसे लोगों के साथ आपको एडजस्ट करना है और कब पानी से जम करके बाहर निकल जाना है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये डिसीजन अपनी ताकत खत्म होने के पहले ही लेना है ताकि आप जम करके बाहर निकल सकें, खुद की लाइफ पर कंट्रोल हासिल कर सकें। और यही आज का वन मिनट विजडम है। ये विजडम कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए ऐसी ही वीडियो हर दिन देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।